नमस्कार दिल्ली, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मीडिया के हमारे सभी भाई बंधु। जैसा कि हमने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली सरकार के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के द्वारा 1256 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। हम ग्राउंड पे जाकर के भी इस सभी जगहों की पड़ताल करेंगे और उसके तहत अभी हम लोग किराड़ी के 458 बेड वाले हॉस्पिटल पे गए कि जहां 458 बेड का हॉस्पिटल 2020 में ही बन जाने का पीडब्ल्यूडी के वेबसाइट पे जानकारी दी गई है, उस जगह पे न तो 2020 में कोई परमानेंट हॉस्पिटल बना है और न तो 2021 के टेम्प्रोरी हॉस्पिटल बने हैं। सच्चाई आप सबके सामने। हॉरिजॉन्टल इस संस्था को इन्होंने काम दिया, सैम इंडिया ब्यूटीफुल प्राइवेट लिमिटेड, जो 2 दिन के अंदर दिया गया था। कहते हैं 458 बेड का अस्पताल है। अस्पताल किधर है? जी बोर्ड भी लग रहा है वहाँ पे? यही है, यही अस्पताल है। यहाँ तो जी बोर्ड भी लगा हुआ है इसका। हॉस्पिटल वाक किधर है? ये वही बोर्ड वाक पास चलिए, बोर्ड के पास भी चलेंगे। अरे जो वो बोर्ड बता रहे थे भाई, कहाँ पर है हॉस्पिटल? यही है, यही है। आगे हो जाओ, कोई विकास हो रहा सर? अरे भाई साहब, थोड़ा आराम से लिफ्ट की भी सुविधा ना है। बरसात में तो यह पानी भरता होगा, पूरा 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 बन जाता है ये। बोर्ड लगा सर, बना नहीं। थोड़ा दलदल को ध्यान में रखना। ये कितने? 1256 करोड़ रुपया। और ये 49 रुपीज में पूरी जगह। देखो यहाँ से अस्पताल शुरू हो गया, बस यही अस्पताल है। ये डीडीए ने दिल्ली गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बनाने के लिए दी थी कोरोना। ये वही जमीन है, ये वही जमीन और यही अस्पताल है जी। ये तो हम लोगों ने निकाला था कि वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 28 से 2020। कंप्लीशन के बाद ये काम इन्होंने स्टार्ट करने का बहाना किया था और उसके बाद पूरे 2 साल हो गए, आज तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और ये इस पे बड़ा स्कैम है ऐसा ना, ये तो डबल स्कैम हो गया। और दिल्ली के साथ धोखा है। इस पर एड पर लगभग 27 करोड़ रुपया लगाया था इस अस्पताल के एड पर पूरी दिल्ली पर ही। एक पीछे बस के थोड़ा सा अगर पानी में गिर जाए पीछे, गिर मत जाना इधर। अरे हो गई हो यार, तो 1 मिनट बात कर लें अभी। काल में काला नजर आ रहा है, 40 करोड़ की बात कर, ये तो पूरा दाल काली है। पहले जब परसों हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मनोज जी साथ में थे और जो उन्होंने पहले कंप्लेंट की थी उसमें ये शक की गुंजाइश थी कि ये शायद 10, 20, 40, 50 करोड़ रुपए का एक घोटाला निकलेगा, एक दाल में कुछ काला है। लेकिन आज ये नजर आ रहा है, जब हम किराड़ी, इन 7 में से एक हॉस्पिटल किराड़ी में आए, यहाँ पर पूरी दाल ही काली है, दाल भी नजर नहीं आ रही है। वो कुछ टीन की दीवार बनी हुई है जिस पर सैम इंडिया कंपनी का नाम लिखा है। मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा आश्चर्य आज आप लोगों को हो रहा होगा क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं। देखिए अभी हमको एक और, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा ना कि अभी हम लोग मल्टी स्टोरी करप्शन देख रहे थे, यहाँ मल्टी स्टोरी विद बेसमेंट करप्शन है। मतलब ये जमीन डीडीए ने 49 रुपए में दिल्ली सरकार को दी है,
कल मनीष सिसोदिया जी ने एक लाइन कहा कि हम अस्पताल रोकना चाहते, हम अस्पताल रोकना चाहते थे, इसलिए हमने 490 करोड़ की जमीन 49 रुपए में दे दी। क्या आप अस्पताल बनाई, अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने डीडीए ने कितना रुपया इनसे लिया, 49 रुपए। मनीष सिसोदिया जी आप कभी यहाँ आ जाइए, पीडब्ल्यूडी के साइट पे ये देखिए, ये इनके पीडब्ल्यूडी के साइट, इस पे जब हमने पूछा भाई 458 बेडेड अस्पताल बना है किराड़ी में कहाँ है, तो इन्होंने कहा कि ये तो बन के 2020 में तैयार हो चुका है, एड्रेस पता किया, तो हम लोग उस एड्रेस पे आ गए इसलिए कि भैया ये तो पहले से बन चुका है, इसी पे पैसा निकाल लिया। अभी यहाँ आए हैं तो जो कह रहा है बन चुका है वो भी नहीं है, धरती लील गई, आसमान खा गया, कि इन लोगों ने किसी जादू से कि नहीं मनोज तिवारी और राजेश गुप्ता आ रहे हैं इसलिए इनको देख ना पाए इतनी सुंदर चीज को, इसलिए इसको हाइड कर देते हैं। मैं समझता हूँ आज इस सच्चाई को देखने के बाद वर्ल्ड की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आश्चर्य में पड़ जाएंगी कि व्हाट इज दिस इन दिल्ली। 2021 के इनके टेंडर के अनुसार 6 महीने में हॉस्पिटल रेडी हो जाना चाहिए, अब हम लोग तो जून पार कर गए तो हो गया लगभग 10 महीना, 6 महीना में करना था। इसका मतलब कि ये पहले भी 458 बेड के अस्पताल के नाम पे पैसा निकाल चुके हैं। हम हैरान हैं कि एक ईमानदारी का लबादा ओढ़े आम आदमी पार्टी के ये मंत्री किस स्तर की लूट कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कुत्ता नारा जी सलाम और इस पूरे कैंपस में अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ 2 बोर्ड दिख रहे हैं। देखो मतलब इंसानियत भी शर्मसार हो जाए मेरे भाई बहन, इंसानियत भी आज चीख चीख के रो रही होगी कि आपने केंद्र सरकार से लगभग 450 करोड़ की जमीन को आपने 49 रुपए में ले लिए और लेने के बाद उसको दिखा करके अस्पताल का बिल बनाए जा रहे हैं, बिल बनाए जा रहे हैं और जमीन पे सिर्फ एक खाली जमीन है। मैं निशब्द हो रहा हूँ, आप देखो क्या कहें, किसको बताएं? ऐसे मनोज तिवारी जी यहाँ पर दिखाते हुए कि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। मनोज जी आप पहुँचे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे, हॉस्पिटल कहीं नजर आ रहा है आपको? यहाँ तो कुत्ता तैर रहा है, नहा रहा है, नहा है, उसके लिए हमको जीव है, जीवों को खुशी मिले। लेकिन आप सोचिए मेरे जी मीडिया के दर्शक, अभी तो हम 2021 के स्कैम में जूझ रहे थे, पता चला ही तो 2020 का भी एक स्कैम हो गया।